नमस्कार, अखबार जगत में आपका स्वागत है। मंगलवार की जनसुनवाई में एक मामला वार्ड क्रमांक 54 सूर्य सुगम कॉलोनी मूसाखेड़ी का सामने आया है, जहां पिछले 6 सालों में रहवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर भटक रहे हैं। जहां एक और शहर स्वच्छता में नंबर 1 है, वहीं जोन नंबर 11 के रहवासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ रहा है। रहवासी संघ अध्यक्ष अनिल वर्मा ने बताया कि पिछले 6 सालों में उन्हें केवल टाला जा रहा है। हम बिल्डर्स जी के पास में जाते हैं तो बोलते हैं हमने नगर निगम में ये कार्य करेगी, हम नहीं करेंगे, हमने नगर निगम के हैंडओवर कर दिए। और नगर निगम पे हम जब जाते हैं तो वहाँ का आला अधिकारी जब हमको बोलते हैं कि ये बस बिल्डर्स का कार्य है, बिल्डर्स करेगा, हम नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम किसके पास जाएं? हमको वार्ड, हम जोन नंबर 11 वार्ड क्रमांक 54 हमने मंजू राकेश गोयल उनको भी आवेदन दिया है, उनसे कंप्लेन कई बार कर चुके हैं, मेरे पास उसकी पिती है, कितनी आप बताना, मेरे पास कम से कम 10 आवेदन दिए हाड़िया जी को, विधायक जी को भी हमने बोला दिया और उनको बुलाया हमने 5-5 बार को, अवगत भी कराया है उस चीज से कि भैया आप हमारा कुछ तो निराकरण करें, हमारी जो महिला है सो खुले में सोच जाना, आप बताइए, आप हिंदुस्तान में स्वच्छता भी अभियान चल रहा है और इंदौर नंबर 1 चल रहा है और हम मतलब हमारी महिलाएं और हमारे जो बच्चे हैं वो हम गंदी जगह पे रह रहे हैं। हाँ, आपत्ति लगाई हमने, कई बार आपत्ति लगाई, कलेक्टर साहब से मिले भी सही, हमने 2018 में हमने एक बोरिंग मतलब नलकूप खनन के लिए, हमारे पास पानी का कोई सोर्स नहीं है, हम 700 से 800 रुपये पर मंथ में एक सरकारी कांकड़ की कॉलोनी से पानी लेते हैं 300 परिवार। कितना टाइम हो गया सर? हमको 9 साल हो गए करीब लेते हुए, जब से ही अभी बस कुछ नहीं बोला, हमने आवेदन दिया, बताया मैडम को, मैडम मैंने कहा हमारे को पानी की सुविधा के लिए हमने आप एक बोरिंग मांगा था आपसे कि हमको बोरिंग की परमिशन दिया जाए, तो अभी तक बोरिंग नहीं हो रहा है और जनता और लोगों के यहाँ पे इतने बोरिंग हो रहे हैं और शासन इतनी बोरिंग करवा रहे हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर इतना पानी ढुल रहा है, जो हमारे नर्मदा की लाइन डाली है इन्होंने, वो भी हमने विधायक जी से और पार्षद क्षेत्रीय पार्षद जी से झगड़ा करके विधायक डलवाई और उसके पास ही सरकारी कौकड़ है वो शांति नगर, उसमें हम एक एक दो दो फीट पानी जो है अवैध रूप नर्मदा का ऐसे बहता है, ना ही उसका पानी अगर थोड़ा सा भी हमको मिले तो हम बहुत राहत मिल सकते। अनिल वर्मा, मनोज परमा। इंदौर इस बार स्वच्छता में चौका लगाने के सपने देख रहा है, लेकिन अगर इंदौर शहर के अंदर दौरा किया जाए तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां किसी का कोई ध्यान नहीं है, वहां आज भी हालत जो की त्यों है। वार्ड क्रमांक 54 में हालत इतनी खराब है कि आज भी वहां लोगों को खुले में शौच जाना पड़ रहा है। यहां सबसे अहम और शर्मनाक बात यह है कि यहां की पार्षद मंजू राकेश गोयल से रहवासी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन पार्षद का बिल्कुल ध्यान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, अखबार जगत, इंदौर।